मित्रों नमस्कार, मैं राजू राम। आज सुबह की ठंडी मौसम को देखकर मैं सफ़र में निकल चुका हूं। जैविक जागो राजस्थान, जागो पाली जिला, जागो जोधपुर अभियान। मित्रों मैं आज पहुंचा हूं बेड़कला गांव रेवंत राम जी के फार्म पर। पिछले दिनों मैंने इनको नींबू के पौधे के ऊपर फूल नहीं आए हुए थे, पत्ते नहीं थे, पत्ते जो थे वो पीले पड़े हुए थे। तो इन्होंने मुझे कहा है नींबू के ऊपर कुछ आप उपाय बता के जाइए। तो मैंने वेस्टडी कंपोजर और शहद हनी इन दोनों का इस नींबू के ऊपर स्प्रे करवाया। तो मित्रों देख सकते हैं आप, ये अब फूल आने लग गए हैं। 50% 15 लीटर की स्प्रे पंप में मिलाकर आधा पानी आधा WDC घोल और 200 ग्राम शहद मिलाया था, काफ़ी मीठा हो गया था। ये देखिए, ये शहद WDC और पानी का स्प्रे करने के बाद ये नींबू के ऊपर फुलवारी बहुत बढ़िया दिख रही है। पत्ते भी नए आ गए हैं और जो पत्ते नए आए हैं पत्ते भी बड़े हैं, मुलायम है, सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी स्थिति में। देखिए नई कॉम्पले भी निकलने लग गई है, ये WDC का परिणाम है। देखिए अब किसी भी टहनी के ऊपर देखिए बहुत सारे फल लगे हैं, वाओ। देखिए बहुत अच्छे नींबू आए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नींबू है। मित्रों ये कमाल वेस्टडी कंपोजर ने कर दिखाया है। ये जो आप नेट देख रहे हैं इसके अंदर अमरूद का पेड़ है, ये मैंने ढक रखा था क्योंकि तोते इसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये है चीकू का पेड़, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक। अब इसके ऊपर फ्लावरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आई है। और 3 दफ़े इसको मैंने WDC दिलवाया था, वेस्टडी कंपोजर अंदर पिलाई की थी। तो आप देख सकते हैं पत्तों की साइज पहले वाले पत्तों से बढ़कर है। ये चीकू है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अन्य रसायन इस्तेमाल नहीं है, मात्र वेस्टडी कंपोजर। और अंदर तक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अंदर गोबर खाद भी पड़ी है। गोबर खाद है, वेस्टडी कंपोजर का घोल दिया था, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और अभी फ्रूटिंग भी आ रही है, फल लगे हुए हैं। यह बेड़कला गांव में, बेड़कला गांव बहुत परिवर्तन हो चुका है। कृष्णचंद्रा जी के अथक प्रयास जो किए हैं आपने, उनको हम सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अक्सर यहां आता रहता हूं क्योंकि मेरा पारिवारिक रिलेशन यहां बहुत है, तो ये मेरे इस काम से बहुत प्रभावित हैं। जो मैं इनको बता के चला जाता हूं वो 2 दिन में इकट्ठा करके रॉ मटेरियल कहीं से भी मंगवा के आप काम कर रहे हैं। देखिए ये नींबू के पौधे पर बहुत अच्छी फुलवारी है, बहुत बढ़िया फूल आए हैं। अब इसके ऊपर फिर से मैं इनको बता के जा रहा हूँ, वेस्टडी कंपोजर और शहद का एक बार फिर से स्प्रे करवाएं, बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं वेस्टडी कंपोजर के। ये चीकू का पेड़ है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत नई पत्तियां भी आ गई है 3 पिलाई करने के बाद, वाह। इस साइड तो बहुत ही बढ़िया है, देखिए ये नई पत्तियां आई है, परिणाम वेस्टडी कंपोजर का जो आपको एकदम अच्छे से दिख रहा है। मित्रों देखिए यही किसान है जिनकी उम्र 75 साल है, अब इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद जो मेरे द्वारा सुझावित है, मैं राजूराम राठौड़ बिलाड़ा से, मैं इनके द्वारा बनाए गए कुछ नए उत्पाद जो जीरे की सुरक्षा के लिए सामने रचका लगा रखा है, इसकी सुरक्षा के लिए आपने जो इंतजाम पहले ही कर रखे हैं, तो चलते हैं उस यूनिट की ओर। मित्रों ये आप रेवंत राम जी राठौड़ बेड़खला गौ पालन के साथ गाय पाल रखी है, बहुत ही बढ़िया नस्ल है ये, बहुत अच्छा दूध देती है। अब चलते हैं उनके यूनिट की ओर, बढ़ते हैं आगे। मित्रों मैं आ चुका हूँ अब उनके द्वारा बनाई गई, आप हैं रेवंत राम जी राठौड़,
आप चुतराराम जी सेणचा, आप आज अवलोकन करने आए हैं इस यूनिट का, जो आप 75 साल की अवस्था होने के बाद भी देखिए यहाँ देसी गाय के कंडे, इनको सुखाकर इससे ह्यूमिक एसिड बनाने का प्रयास करेंगे। ये 2 बकेट 20 लीटर की, इसके अंदर आपने गोमूत्र इकट्ठा करके रखा है। ये आपने 200 लीटर के बैरल में फसल की सुरक्षा के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया है एलोवेरा से। एलोवेरा अक्सर 2 तरह का होता है, एक तो जिसकी सब्जी बनती है जो खाने में मीठा होता है, एक जो खारा होता है, ज़्यादातर कब्रिस्तान में देखा जाता है, लेकिन खारे अक्सर राजस्थान में इसकी खेती भी करते हैं। तो मित्रों, आप कहीं से भी ढूंढ के लिए आए हैं, आप रेवंत राम जी राठौड़, उम्र 75 साल, काफ़ी जैविक के नाम पर युवा है, अवस्था तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसके अंदर एलोवेरा, और ये एलोवेरा आपने बनाया है वेस्ट डिकम्पोजर के साथ, ये गोमूत्र इकट्ठा करा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 200 लीटर ये जीरे की सुरक्षा के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जीओजीसी घोल के तहत आपने लहसुन का पेस्ट बनाया है, लहसुन की कलियां पीसकर इसके अंदर डाली है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसके अंदर फंगस भी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बन गई है। ये यहाँ धतूरे का घोल, यहाँ 5 पत्ती काढ़ा है, ये भी जीरे की सुरक्षा के लिए है। ये सब जीरे की सुरक्षा के लिए आपने इंतज़ाम पहले ही करके रखे हैं। मित्रों देखिए किस कदर बदल रहा है मेरा बेड़कला गांव। आप चुतराराम जी के फूफा जी है या मौसा जी? मौसा जी। आप चुतराराम जी बेड़कला, जो मेरे पारिवारिक रिश्ते में अंकल हैं, आप मेरे दादाजी के साड़ू हैं। तो मैं इनके फार्म पर पहले आया, तब इन्होंने कहा भाई इतनी मेहनत तो अब नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये वेस्ट डिकम्पोजर आया, अगर आज भी रेवंत राम जी को पूछा जाए ये वेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है, ये बोलते हैं नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन ये गुड़ का पानी है। तो आज आप रेवंत राम जी से प्रेरणा लेने, चुतराराम जी जो मेरे अंकल, आप इनके फार्म पर आए हैं और इनके भी बहुत ज़्यादा ज़मीन आ रही है, जीरा किया है, सौंफ की है, गेहूँ किए हैं, तो ये भी बेड़कला के निवासी है। तो आज आप इनकी यूनिट को देखकर, इनके काम को देखकर आप भी एक विचार करके जा रहे हैं कि हमें भी कुछ इसी तरह उत्पाद बनाकर खेत में प्रयोग करना है। मित्रों आज का वीडियो बस इतना ही, जो आपने इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी हाथ मेहनत से इतने सारे उत्पाद बनाए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक छोटे से बच्चे से आप सीख लेकर आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरी मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी पहले, अब आपकी उम्र को देखकर जो आप मेरे विचारों के साथ आप चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, देखिए आज बेड़ कला बदल रहा है, आप जैसे किसान बदल रहे हैं, तो बदलना चाहिए अपन सभी किसान मित्रों को। मित्रों आने वाले 2019 तक, जब लोग 2019 की शुरुआत करते हैं तो जश्न मनाते हैं, मित्रों हमारा जश्न यही है। आपने पहले भी मुझे बताया था कि 2019 की हम एक शुभ शुरुआत करेंगे, खेत में कभी भी यूरिया अन्य कहीं कोई जो उत्पाद है वो यूज नहीं करेंगे। तो मित्रों देखिए इन किसानों के हाव भाव कितने बदल चुके हैं वेस्ट डिकम्पोजर आने के बाद। धन्यवाद मित्रों।